So now, in today's class, we'll be learning the concept of geometric mean, just the way we have done it for arithmetic mean, right? We have done it for arithmetic mean. हमने arithmetic mean कर रखा है, ठीक है? तो arithmetic mean में तुमने क्या करा था बेटा? कि अगर तुम्हारे पास दो terms हैं, a and b, तो इसके बीच में अगर मैं कोई भी एक ऐसा term insert करता हूँ a, such that ये तो मेरे पास तीन elements हैं a, a and a, that means small a, capital A and b. Right, if they are into an AP, then this A was called what? This was called the arithmetic mean. हमने यहाँ से arithmetic mean को ऐसे पढ़ा था. यानी अगर मैं simple language में आपको explain करूँ, तो arithmetic mean होता क्या? Arithmetic mean सीधी सी बात है, दो terms दे रखें, उनके बीच में अगर मैं कोई ऐसा number insert कर रहा हूँ, ताकि जो number हमारे पास जो series बनी है, वो सीरीज किस में होनी चाहिए? एपी में होनी चाहिए. तो जो नंबर हमने इंसर्ट किया उसको क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन बोलते हैं. ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा था? इसमें हमने ये सीखा था बच्चों कि ए की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास? ए की वैल्यू हमारे पास आ गई थी ए प्लस बी ओवर टू. जो लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं थे, आई कैन सी दैट देर आर टू स्टूडेंट्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं थे. रितिका, यू आर लेट बेटा, टुडे इज योर फर्स्ट क्लास एंड यू आर लेट. सॉरी सर. आई एम वेरी पंक्चुअल, प्लीज बी पंक्चुअल. उत्कर्ष एंड रितिका, आप लोग मेरे साथ एपी नहीं की हो, रेस्ट ऑफ यू हैव डन एपी, ठीक है? बट एपी की वीडियो है, अगर चाहो तो मेरे से डिमांड कर लेना, मैं तुम्हें उसकी वीडियो भेज दूंगा. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड इन एपी, ठीक है? तो अरिथमेटिक मीन यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी बाई टू रख लेंगे. वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है बेटा? ज्योमेट्रिक मीन अगर तुम्हारे पास दो टर्म्स हैं ए और बी, और इसके बीच में आप अगर कोई भी एक टर्म ऐसा इंसर्ट कर रहे हो, सच दैट दीज थ्री थिंग्स दे आर इन जीपी, राइट? इफ दे आर इन जी पी, तो इसी जी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ज्योमेट्रिक मीन. अब बात आती है यहाँ पे जी की वैल्यू कैसे निकालें. तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग करते हैं, यहाँ हम ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस को इक्वेट करते हैं. सो बी माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये तो तुमने टेंथ में भी कर रखा है, राइट? किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कांस्टेंट. एंड फ्रॉम हियर यू गेट दैट ट्वाइस ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, एंड देन यू आर इन अ पोजीशन टू से दैट ए इज नथिंग बट ए प्लस बी ओवर टू. दैट इज द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन. ओके, इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट जीपी, और यहाँ पे जब मुझे ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जैसे वहां पे डिफरेंस कॉन्स्टेंट होता है, यहाँ क्या कॉन्स्टेंट होती है? द रेशियो इज कॉन्स्टेंट. सो आई एम गोइंग टू इक्वेट बी ओवर जी इज इक्वल टू जी ओवर ए, एंड फ्रॉम हेयर व्हाट डू आई गेट? आई गेट ए इंटू बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर. सो वी कैन बी वेरी क्लियर दैट जी इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए बी, एंड दैट इज वॉट यू कॉल एज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी. ठीक है, सो यू शुड सर्टेनली टेक अ नोट ऑफ दैट, राइट? आई होप यू आर मेकिंग नोट्स प्रॉपरली. मैं बार बार ये बात कहता हूँ, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको नोट कर लिया करो जरूर से, ठीक है? तुम्हारे नोट्स रिविजन के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? अब यहाँ पे देखो तुमने क्या सीखा, तुमने जी पी, अगर दो नंबर्स हैं तो दो नंबर्स के बीच में अगर तुम्हें जी एम कैलकुलेट करना है, तो तुम पता है तुम ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, राइट? अगर मैं तुमसे बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपके पास एक नंबर है 1 और दूसरा नंबर है 9, आपसे बोला गया बताओ what is the geometric mean between them, so I'm pretty sure all of you would be saying it is 1 into 9, so the answer is 6. That means otherwise bhi aapko easily samajh mein aata hai, bhai 139 gp mein hai kya? Haan bilkul hai na gp mein. What is the common ratio? The common ratio is 3 into 3 into 3, hai na? That is how we can calculate the geometric mean. Ek aur example le lete, suppose karo, let's say let's take up some value, might be it is 2 and it is dash, and let's say this is 8. So again g ki value kitni ho jayegi? Under root of 2 into that is 16. So g kitna ho jayega? 4. So is tarike se bade aasani se aap isko use kar sakte ho, koi problem nahi hai, theek hai? So that is one way to look at the question, and that is how you can deal with that. But if you look at the other side of the similar question, theek hai, main isko erase kar raha hu bachcho, I hope aapne likh liya hoga. अगर नहीं लिखा है तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लें, एंड आफ्टर द क्लास यू कैन टेक नोट्स इन योर नोटबुक, ठीक है? प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट रिलाई ऑन स्क्रीनशॉट्स, एंड यू मेंटेन देम प्रॉपरली इन योर नोटबुक. ओके,
So I'm proceeding ahead. I'm erasing the screen, right part of the screen now, and I'm proceeding ahead. GM में थोड़ी सी बात और करनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो देखो, GM में अगर मैं थोड़ी सी बात और कर रहा हूँ, तो अभी क्या तुमने सिर्फ एक GM insert किया, but तुम्हें ध्यान होगा कि AP में भी जो हमारे पास ऐसे cases आए थे when we were inserting more than one arithmetic means. So you can get even the same case here, or you can say a similar case here. Let's say you have terms like this: A, G1, G2, G3, G4, and the last term is B. आपके पास क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? आपके पास क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होगी, इफ यू इंसर्ट फोर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन टर्म्स ए एंड बी, राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G2? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G2? अब देखो बच्चों, ये इतनी बात तो हमें पता है कि क्वेश्चन में वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, द फाइनल आंसर हैज टू बी इन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. दिस G1, G2, G3, G4, दीज आर आवर अजम्पशन. This cannot be the final answer. Okay? So certainly, आप इसमें क्या करने जा रहे हैं? अगर आपको AP वाला concept याद है, तो वहाँ हमने क्या किया था? मैंने आपको बहुत confidently एक बात बताई थी कि whenever you know the first term and the common difference, you can find everything about an AP. Similarly, when we are talking about an GP, if we know the first term and the common ratio, we know everything about that GP. ठीक है? So वहाँ पे हमने क्या focus करा था? कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करने पे. अभी हम किस पे फोकस करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हाउ टू कैलकुलेट द कॉमन रेशियो. अब कॉमन रेशियो के लिए मैं क्या यूज करने जा रहा हूँ? ओके, लेट अस नॉट फॉरगेट, वी नो व्हाट इज द nth टर्म. व्हाट इज दैट? ए आर रेज टू द पावर एन माइनस वन. ऑल ऑफ अस नो दैट. ठीक है, अगर मैं इसे कुछ यूज करूँ और यहाँ से मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ फॉर दिस जीपी जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, ठीक है, तो शायद हम कुछ कर पाएंगे. और चलो करके देखते हैं. लेट अस सी. nth term क्या है मेरे पास? B है, the last term. कौन सा term है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the sixth term. A is the first term, which is A itself. और R की जगह पे R लिखूंगा और N की जगह पे कितना आएगा? 6, 6 minus 1, that is 5. What can I say about R raised to the power 5? Can I say it is B upon A? Certainly yes. What can I say about R? I would say that it is b upon a raised to the power 1/5. यहाँ से तुम्हें common ratio की value मिल गई. और एक बार तुम्हें common ratio मिल गया, अब तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता ना. They can ask you anything and you are ready to answer anything. Let's say, let me help you with that. Let's say they are asking you G1. So what is this G1? G1, in my understanding, is the second term of the GP, right? This is the first term, this is the second term. In case they are asking us G3 or might be G4, we should take it like this. G3 क्या होने वाला है? G3 मेरे पास fourth term है. G4 क्या होने जा रहा है? That is the fifth term. And so on. And you know how to deal with that. ये कितना होने वाला है बेटा? That is AR cube. And this one is what? AR raised to the power 4. अब मुझे सब कुछ A और B के form में मालूम है. कैसे? A तो A है भाई. और R की value कितनी है? B over A raised to the power 1/5. ये कितना बन जाएगा बताओ? That will be B over A raised to the power 3/5. And fourth GM, the fourth geometric mean would be what? A B over A raised to the power 4/5. That is how we find the general GM. ठीक है? But अभी मैंने तुम्हारे पास एक special case लिया था, जब तुम्हारे पास कितने terms थे? 4 terms थे, जब जो तुमने A और B के बीच में insert किया. सपोज करो तुम्हें n टर्म्स इंसर्ट करने होते, ठीक है? अगर आपने लिख लिया है तो अगेन दैट्स वेरी गुड, अदरवाइज प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, ताकि मैं इसको एक वाइडर एस्पेक्ट के लिए, एक जनरल nth टर्म के लिए मैं आपको डिफाइन कर सकूं, ठीक है? तो प्लीज इधर यू हैव रिटन इट डाउन और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट बिफोर आई इरेज इट. आई होप दैट्स डन. फाइन, सपोज करो इसी को मैं जनरलाइज करता हूँ. ध्यान से देखना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है? रितिका, यू माइट फेस सम प्रॉब्लम इन टुडेज क्लास बेटा, बट देन यू हैव टू बी स्लाइटली पेशेंट आई वुड से, राइट? इट विल टेक अनदर टू क्लासेस एंड देन यू विल बी फाइन. अगर तुमने मेरी वीडियो देख ली थी क्या, जो वीडियो मैंने शेयर की थी? यस सर, हाफ देख ली थी. अच्छा, पूरा देख लेते तो बहुत अच्छा होता. चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. तो एक दो दिन थोड़ा सा लगेगा टू यू नो मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल इन द बैच,
बट मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग थिंग्स प्रॉपरली, नोट्स तुम अपने से प्रॉपरली बनाते रहो, और फिर क्लास के बाद फिर जस्ट गिव मी अ कॉल आफ्टर द क्लास, मैं तुम्हें कुछ और भी बताऊंगा क्या क्या कौन सी बुक यूज करनी ऑल दैट, ठीक है? ओके सर. सो लेट्स सी बेटा, आइए इसमें आगे बढ़ते हैं. जीएम में मैं जनरल केस बता रहा था. लेट्स से आपके पास ए और बी दो टर्म्स हैं, ए एंड बी दो टर्म्स हैं, और आपको एन जी एम इंसर्ट करने हैं, दैट इज जी वन जी टू जी थ्री एंड सो ऑन. कितने टर्म्स इंसर्ट करने हैं? एन जी एम तुमने इंसर्ट करना है, राइट? एन टर्म्स. अभी हमने एक टर्म लिया था, फोर टर्म लिया था, बट अगर इन जनरल एन टर्म्स की बात होती है तो हाउ आर वी गोइंग टू डील विद दैट? प्रोसेस वुड बी एग्जैक्टली सेम व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस एग्जांपल. क्या यूज करने जा रहा हूं मैं? आई एम गोइंग टू यूज द nth टर्म फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? ए एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर रेज टू द पावर एन माइनस वन. ए एन मेरे पास कितना है बेटा? दैट इज बी. फर्स्ट टर्म कितना है? ए. आर पता नहीं, अभी कैलकुलेट करनी है. और एन की वैल्यू कितनी है? एन टर्म्स तो ये हैं, एक टर्म ये रहा और ये था, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास यहाँ पे कितने हैं बच्चों? इट इज एन प्लस टू. यानी मैं एन की जगह पे क्या रखने जा रहा हूँ? एन प्लस टू रखने जा रहा हूँ. जब मैं एन प्लस टू रखूंगा तो ओवरऑल ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट आर रेज टू द पावर एन प्लस वन. एंड देन व्हाट कैन आई से अबाउट आर? एग्जैक्टली द सेम थिंग, आर रेज टू द पावर एन प्लस वन is equal to b over a, and then we would say that r is equal to b over a raised to the power 1 over n plus 1. Okay, so I hope you are comfortable with that and you have written it properly. Ab baat yahan pe khatam nahi hoti hai, kyun? Kyunki hame to nth gm ki value chahiye. Jo nth geometric mean aayega, what is the value of that? To ye wali cheez bhi abhi humne seekhi thi. जो मेरे पास nth gm है इस gp में, एक्चुअली वो टर्म कौन सा है? n plus 1th टर्म है, राइट? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, एंड सो ऑन. दिस व्हाट इज द n plus 1th टर्म? सो व्हाट इज द n plus 1th टर्म इन द फॉर्मूला? दैट इज a r रेज टू द पावर n, बिकॉज n की जगह पे तुम क्या रखने जा रहे हो? n plus 1 रखने जा रहे हो. तो n plus 1 minus 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ n. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर इन दीस केसेस? दैट वुड बी a b अपॉन a whole raised to the power n over n plus 1. That is what you'll be leaving as the final answer for nth geometric mean. ठीक है? तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए, और आप इसको नोट कर लें. It's time that we move on to the questions now. ठीक है? I hope आपने ये चीजें लिख ली हैं. आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं. Now this is very very important. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अभी मैंने देखा, अभी क्लास पे जस्ट एक मिनट पहले हर्ष ने एक क्वेश्चन शेयर किया है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं, सीखते हैं. आपको स्कूल एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई में भी इसके क्वेश्चन पूछते हैं, एनडीए में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन दिखेंगे. तो दिस इज, आई डोंट नो कैसे तुम्हें मैं बताऊँ ये कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी इसके क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, राइट? और हर जगह पे तुम्हें मिलेंगे. सो सर्टेनली दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इजी. बट हाँ, इसके क्वेश्चंस बड़े क्रिएटिव आते हैं, बड़े अच्छे आते हैं. चलो देखो, समझते हैं पहले क्या है. ए एम दो टर्म्स मैं लेता हूँ, राइट? लेट्स से दो टर्म्स हैं ए बी, तो इसका ए एम कितना होगा? लेट्स से इट इज कैपिटल ए. व्हाट कैन यू से? यू वुड से दैट इट इज ए प्लस बी अपॉन टू. आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली ओके विद दिस एक्सप्रेशन, राइट? वी जस्ट डिस्कस इट. सिमिलरली अगर मैं इसी ए और बी दो टर्म्स के बीच में अगर मैं जी एम की बात करूँ, लेट से दैट इज कैपिटल जी, तो वी नो इट इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ ए बी. इतनी सी बात हम लोग जानते हैं. अब हमें यहाँ से जो रिलेशन इस्टेब्लिश करना है वो क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है दैट ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर दैन जी एम. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन, और यू कैन से ग्रेटर दैन इक्वल टू जी एम. दिस इज वॉट विल बी इस्टेब्लिशिंग. हम यहाँ से ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास कभी भी कोई भी दो टर्म्स हैं तो उनके बीच का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा. ज्योमेट्रिक मीन कभी भी ए एम से अरिथमेटिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता. इसकी एप्लीकेशन बहुत बढ़िया बढ़िया है, राइट? आज की क्लास में हम थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे, बट ग्रेजुअली व्हेन वी मूव अहेड तो हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखो इसको समझेंगे, राइट? हमें कुछ भी रटना नहीं है, हर चीज़ समझना है बेटा. अच्छे क्वेश्चंस में सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग काम आती है. अगर तुम चीज़ों को समझ रहे हो तब तुम अच्छे क्वेश्चन को करने के काबिल हो.
और अगर रट रहे हो तो फिर मतलब ही नहीं बनता। अरे बार बार कहता हूँ मैथ में रटने का कुछ भी नहीं है बच्चों। लेट्स सी कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ए एम माइनस जी एम, ओके मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ, दैट ए एम माइनस जी एम, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को प्रूव कर देता हूँ दैट दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, तो आई थिंक द टास्क इज डन, है ना। तो मैं ए एम माइनस जी एम एक्सप्रेशन से शुरू करता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। ए एम माइनस जी एम को मैं क्या लिखता हूँ, ए एम की जगह पे ए एम लिख देता हूँ, कितना है ए एम मेरे पास, ए प्लस बी बाई टू, और जी एम की जगह पे जी एम लिख देता हूँ, जी एम कितना है बच्चों, अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ओके नो इशूज। अब देखते हैं आखिर ये है क्या, लेट अस सी। तो मैं इसमें एलसीएम लेता हूँ बेटा, ये आ गया मेरे पास ए प्लस बी माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए बी। क्या मैं इसको अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी लिख सकता हूँ ना, और ये पूरा पूरा टू किससे डिवाइडेड है ऐसे, ठीक है, बिकॉज आपने एलसीएम दिया है, ओके। नाउ अब इसका हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन बी राइट, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ आफ्टर दिस इट्स कमिंग आउट हियर। अब ये जो ए है, कैन आई से दिस इज रूट ए का होल स्क्वायर, और इस बी को क्या मैं रूट बी का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, और ट्वाइस ऑफ ए अंडर रूट बी को मैं एज इट इज रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है, और अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं बच्चों, तो ये कौन सा फॉर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एंड आई एम प्रिटी श्योर यू नो द फॉर्मूला फॉर दिस, व्हाट इज दैट, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इट इज व्हाट, ए माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ दिस इज समथिंग दैट वी शुड बी वेरी क्लियर, कि किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट। सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज व्हाट, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ, अगर ए इज इक्वल टू बी होगा तो इक्वल टू जीरो होगा, बट नेगेटिव तो कभी भी नहीं होगा ना। इवन इफ यू हैव अ नेगेटिव नंबर, इफ यू टेक द स्क्वायर ऑफ दैट, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें ये बात ध्यान से समझनी है कि ये वाली चीज कितनी तुमने प्रूव कर दी, दैट दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो दिस वैल्यू हैज टू बी व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से मैं अगर ओरिजिनल एक्सप्रेशन को लेके आता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, दैट ए एम माइनस जी एम is coming out to be greater than equal to zero. From here, I can certainly say that AM is greater than GM. So that is what you were supposed to understand and prove. If it is okay, just type okay in the chat box. If you want me to repeat, type R. Do it fast. Please do it fast. Samajh mein aa gaya to okay likho. Otherwise, you can type R. I would repeat that. No issues. Fine, I'm getting all okay, so I understand that that's fine. ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है, well done. Right, you can use the mic, you can use the comment box, whatever you are comfortable, you can use that, no issues. चलो देखो, I'm moving ahead. Ritika ने कोई response नहीं दिया, I hope that's okay. Moving ahead. देखिए, let us practice some questions. Let me start with some simple ones. ठीक है, थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली अपना लेवल आज इंक्रीज करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसा भी मैंने आपको कल कहा था, वी आर सडनली मूविंग ऑन टू अ गुड क्वेश्चन लेवल। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, द ए एम एंड जी एम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी इज 10 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। दे हैव सेड दैट ए इज 10 एंड दे हैव सेड दैट जी इज व्हाट, 8। ये आपको गिवन है, नंबर्स क्या है, ए एंड बी। तो इतनी बात तो हमें पता है ना, क्या a प्लस बी बाई टू 10 होने वाला है, और अंडर रूट ऑफ ए बी 8 होने वाला है। इतनी बात तो पता है ना बच्चों, राइट इतनी बात हमें पता है। दे आर सेइंग फाइंड द नंबर, यानी हमें क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है, नो इश्यूज, आसानी है। आओ चलो करते हैं, कैसे करेंगे। मैं a प्लस बी की वैल्यू तो सबसे पहले 20 रख रहा हूँ, आई होप यू आर ओके विद दैट। और सेकेंड इक्वेशन से, यहाँ से मैं a इंटू बी को 8 का स्क्वायर यानी कि 64 ले रहा हूँ, ठीक है, दैट इज हाउ आई विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन। नाउ द मोमेंट आई रीच दिस पॉइंट, इसके आगे जाने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसके आगे जाने के लिए ना, अब देखो क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ए और बी चाहिए। अब या तो तुम उसी पुराने तरीके से करो जो तुमने पहले बचपन में सीखा था, या फिर तुम यहाँ पर थोड़ा इनोवेटिव होने की कोशिश करो। इनोवेटिव होने का मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट जो तुमने सीख रखे हैं उसको यूज़ करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ये यूज़ करना चाहता हूँ
कि ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। इफ यू आर ओके विद दैट, दैट्स वंडरफुल। इफ यू आर नॉट ओके विद दैट, प्लीज आस्क मी। ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। प्लस टू ए बी और माइनस टू ए बी कितना बन जाएगा, माइनस टू ए बी। तो ओवरऑल अल्टीमेटली ये एक्सप्रेशन क्या है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके अर्पित, दैट इज वंडरफुल, बिल्कुल सही है बेटा। तो अब जैसे ही तुमने ये वाली चीज़ देख ली, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो, कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। 20 का स्क्वायर देखना कोई टेंशन नहीं है, दैट इज 400। और ए बी की वैल्यू तुम्हें मालूम है, इसको 4 टाइम्स करोगे, इवन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। 4 टाइम्स करोगे कितना हो जाएगा ये, आई गेस 256, ठीक है, दैट इज 256। व्हेन यू डू द सब्ट्रैक्शन, परहैप्स दैट इज कमिंग आउट टू बी 144, ठीक है। 400 माइनस 256 इज हाउ मच, 144। अब देखो ए माइनस बी कितना होगा बच्चों, ये होल स्क्वायर है, तो जब तुम इधर अंडर रूट करोगे तो क्या आएगा, प्लस और माइनस दोनों आएंगे, ठीक है। दैट मीन्स ए माइनस बी की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा, इधर दैट इज प्लस 12 और दैट इज माइनस 12। तो इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सिंपल से दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, ए प्लस बी की वैल्यू 20 दे रखी थी और ए माइनस बी की वैल्यू तुमने 12 कैलकुलेट की है। माइनस 12 भी ले रहे ना, कोई टेंशन नहीं है, फिलहाल अभी हम लोग 12 लेके देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको तो सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। Let us add it. When you add it, that is coming out to be 32. So what is the value of A? A is coming out to be 16. And the moment you get the value of A as 16, I'm pretty sure you can always find the value of B. What is that? That is 4. So that was an easy question. But yes, one step ahead after you understand the concept. Us concept ko seekhne ke baad, that is the first step that you move on. Okay? I hope that is okay. Even if you consider the other thing, which was minus 12, let us go for the other thing as well. It's the second aspect we discuss karte hain. I hope the first aspect is clear. It's simple linear equation. Tumne pata nahi 8-9 mein bhi kar rakha hoga. Theek hai? So I'm sure you are comfortable there. Ab main kya karne ja raha hu? Main yahan pe maine minus 12 rakha. Minus 12 rakhte bhi kuch alag nahi hona chahiye. Kya ho raha hai yahan pe? Twice of a is equal to 8 aa raha hai. So a kitna ho gaya beta? A hamare paas 4 ho gaya. Agar a 8 4 हो गया तो B कितना हो गया, 16। यानी जो आपके दो नंबर्स हैं, आप या तो बोलो 4 और 16 है, या फिर आप बोलो 16 और 4 है, दैट इज ऑल द सेम। वो बोले कि नहीं भाई तुम्हारा एक का इधर एक का नहीं करे, बात तो एक ही है ना यार, दे टॉकिंग अबाउट बोथ द इयर्स, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू कुड हैव डन दैट, फाइन। मूविंग अहेड, दैट वाज अ बेसिक क्वेश्चन, आई एम नॉट आस्किंग यू कि हाँ समझ में आया कि नहीं, आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ में आ गया। देखिए ग्रेजुअली क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखते हैं। If AM and GM of the roots of a particular quadratic equation, now this is good. ये बढ़िया सवाल है, आओ देखते हैं क्या है। किसी quadratic equation की बात कर रहे हैं, right? और roots की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसे question आते हैं ना, तो मैं बिल्कुल basic तरीके से सोचना शुरू कर देता हूँ, क्या कि जब अगर ये quadratic equation है तो कुछ ऐसा ही तो होगा, ax square plus bx plus c, बिल्कुल basic, जो knowledge हमारे पास है हम हमेशा उसको stick करेंगे, we'll always stick to the knowledge. We'll always stick to the concepts. ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हमें कोई टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है। सो देर टॉकिंग अबाउट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई हैव फ्रेम्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ एज पर दिस वो क्या कह रहे हैं कि ए एम और जी एम क्या है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भाई यहाँ तो तुम जानते हो ना कि इसके रूट्स क्या लेते थे हम लोग, अल्फा और बीटा लेते थे, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ द जो हमारे ए एम और जी एम है वो रूट्स हैं। यानी कि मैं इसको सपोज करो ए एम कह लेता हूँ और सपोज करो इसको मैं जी एम कह लेता हूँ, ठीक है बच्चों, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। और इसके इन्होंने क्या कहा, ए एम एंड जी एम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके अच्छा, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ए एम और जी एम निकाल लें, आई एम सॉरी, राइट। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसके जो रूट्स हैं उसका ए एम और जी एम हमें बताना है बेटा, ठीक है। सो नो इश्यूज, दैट फाइन। तो आर फाइव एंड दिस, तो देखो क्या समझ में आता है कि अगर मैं ए एम की बात करूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू होगा, अगर ये इसके रूट्स हैं तो, राइट। और ये चीज़ हमें कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। और अगर मैं जी एम की बात करूँ तो ये भी मुझे मालूम है क्या कि अल्फा इंटू बीटा जो है ये मेरे पास जी एम होता है, राइट। अगर मेरे रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो ए एम एज पर द क्वेश्चन दे हैव सेड दैट द ए एम इज 8 ऑफ द रूट्स, रूट्स के। तो रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो ए एम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई टू। और जी एम कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ अल्फा बीटा, दैट इज गिवन एज 5।
तो हमें इतनी सी बात को पता है. दे आर सेइंग व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ऑल राइट, वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया. अब देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए बताए मुझे क्या याद आता है. मुझे क्लास छोटे क्लासेस में मुझे ये पढ़ाया गया था, आई एम श्योर तुम्हें भी पढ़ाया गया होगा. इसमें मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म से नहीं एज्यूम करता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कुछ इस तरीके से एज्यूम करता हूँ. लाइक अगर मेरे पास सम ऑफ द रूट्स अगर तुम्हें याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो पूछ लेना, हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं जिसकी वैल्यू एस है और उसके प्रोडक्ट पी हैं, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू जीरो हुआ करती थी. अगर आपको ये वाली चीज़ ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं ध्यान में है तो आप अभी भी डिस्कस कर सकते हैं विदाउट इवन सिंगल हेजिटेशन. ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इन योर लोअर क्लासेस. तो यहाँ पे मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में रखना प्रेफर करूँगा. क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ना प्रोडक्ट और सम दोनों ही इनडायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है. अब बताओ क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास 16 है? बिल्कुल कहूँगा, बिल्कुल कहूँगा, वो 25 हो जाएगा. एब्सोल्यूटली करेक्ट, अल्फा इंटू बीटा मेरे पास 25 हो जाएगा. तो इक्वेशन लिखने में मुझे थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. आई डोंट बॉदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा. आई डोंट हैव टू बॉदर, स्ट्रेट अवे आई विल पुट दिस हियर एंड द आंसर वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 0. सो दैट इज हाउ यू कैन डील विद दीस क्वेश्चंस. ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और मेरे स्क्रीन पे नहीं है, बट हर्ष ने अभी एक मिनट पहले, क्लास स्टार्ट होने से एक मिनट पहले ऑफिशियल ग्रुप पे डाला था. इसके बाद आपके पास वो फैब 3 जो मैंने कहा था आपको कि मैं जे लेवल के क्वेश्चंस जो आ रखे हैं वो डिस्कस करूँगा. बट बिफोर दैट मैं हर्ष का भी क्वेश्चन देना चाहूँगा. थोड़ा सा पहले पोस्ट कर दोगे ना तो मैं यहाँ स्क्रीन पे ले लूँगा हर्ष. अभी मुझे फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा तुम्हारा क्वेश्चन देखने के लिए. चलो कोई बात नहीं, आई जस्ट राइट द क्वेश्चन हेयर ऑन द स्क्रीन. आप ना क्लास से पहले दे दिया करो, उससे क्या होगा ना स्क्रीन पे आ जाती है, तो ये फोन वोन कुछ मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता. चलो देखो, नो प्रॉब्लम, फिलहाल मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. इन्होंने क्वेश्चन दिया है दैट इफ ए एंड जी बी द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, ए क्या है आपका, दैट इज द अरिथमेटिक मीन, एंड कैपिटल जी दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, लेट्स से दीज टू पॉजिटिव नंबर्स आर व्हाट, ए एंड बी. ठीक है, ऐसा इन्होंने दे रखा, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में ऐसा है. प्रूव दैट द नंबर्स आर, हमें ये प्रूव करना है कि जो नंबर्स होंगे वो इस फॉर्म के होंगे. ठीक है, चलो देखते हैं. दैट इज राइट, हमें क्या प्रूव करना है ये लिख देता हूँ यहाँ पे. राइट, आई राइट इट विद अ डिफरेंट कलर. यू नीड टू प्रूव दैट द नंबर्स आर, यानी कि जो ए और बी होंगे वो इस फॉर्म के होंगे. किस फॉर्म के होंगे बेटा, ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए प्लस जी एंड ए माइनस जी. ठीक है हर्ष, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव गिवन, राइट बेटा? यस सर. ओके, वंडरफुल. चलो देखो, आओ इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं. आई एम क्लोजिंग द मोबाइल. ठीक है, जनरली मैं क्लास के टाइम पे मोबाइल बंद ही रखता हूँ. ऑल राइट, सो लेट्स सी. अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ये अल्फा बीटा होंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. देखो हमें पता क्या है, पहले वहाँ से शुरू करते हैं. हमें ये पता है कि ए इज़ द अरिथमेटिक मीन. तो इस ए की वैल्यू मैं क्या बोलूँगा बेटा, मैं इस ए की वैल्यू बोलूँगा इट इज़ ए प्लस बी बाई टू. एंड सिमिलरली मैं जी की वैल्यू क्या बोलूँगा, अंडर रूट ऑफ ए. ठीक है, इतनी सी बात तो हमें मालूम है ना, इतनी सी बात तो हमें मालूम है. ठीक है, नो इशूज. अब ये बताओ, अगर मैं एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, राइट, मैं अगर एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं जिसके रूट्स ए और बी हैं, जिसके रूट्स ए और बी हैं, तो शायद आप बड़े आसानी से इस बात को डाइजेस्ट कर लोगे. रूट्स क्या हैं, ए और बी हैं, तो दिस इज द सम ऑफ द रूट्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स. एस की जगह पे मैं क्या रखने जा रहा हूँ, ए प्लस बी की जगह पे क्या रखने जा रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस पी. पी कितना था बेटा, जी स्क्वायर. इफ दिस पार्टिकुलर इक्वेशन विच आई हैव हाईलाइटेड विथ वाइट, इफ इट इज क्लियर कैन यू जस्ट शो मी योर हैंड्स अप, कैन यू जस्ट रेज योर हैंड यूजिंग द हैंड रेजिंग ऑप्शन. समझ में आ रहा है ना, नथिंग न्यू. ओके,
कुछ भी नया नहीं है, एग्जैक्टली हमने क्या यूज किया बेटा, अभी अभी जो मैंने तुम्हें बताया उसी को री यूज किया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो. आई हैव मेड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर द रूट्स आर ए एंड बी, राइट. जो हमें वैल्यू ए और बी की चाहिए मैंने उसको यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल जी के फॉर्म में, यानी कि अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी. अब ये बताओ, अगर तुम्हारे पास दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट डू यू नो अबाउट द रूट्स? डोंट यू नो दैट द रूट्स विच इज अल्फा बीटा जनरली, विच इन दिस केस इज व्हाट, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, दैट इज इक्वल टू माइनस बी. यहाँ पे बी कितना है याद करो ना, कुछ ऐसा तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. जस्ट कंपेयर देम, ओके. सो इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज माइनस टू ए. कितना होता था, दैट विल बी इक्वल टू टू ए प्लस माइनस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर कितना होने जा रहा है, टू ए का स्क्वायर यानी कि फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ए कितना है, ए इन दिस केस इज वन एंड सी इज वॉट, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉट बच्चों, ट्वाइस ऑफ ए, ए इज वन. दैट इज वॉट आई विल बी गेटिंग एज द रूट. यही तो तुम्हें प्रूव करना था कि इसके रूट कितने होंगे. कोई बात नहीं, मैं इसमें से टू ऊपर नीचे से कॉमन लेता हूँ. मैंने इससे टू कॉमन लिया, कैंसिल हो गया प्लस माइनस. यहाँ से फोर बाहर ले गया तो वो भी टू से टू कैंसिल हो गया. बचा क्या बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इज इट डन? सर्टेनली इट इज डन. इट इज प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप बिल्कुल क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दैट इज ऑल. सो अ गुड क्वेश्चन एंड आई होप नाउ दीज थिंग्स आर ईजी फॉर यू. दैट इज वॉट आई कैन बिलीव. इफ येस जस्ट टाइप एफ ए बी एंड देन आई वुड गिव यू द फैब थ्री, द ग्रेट वंडरफुल प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस, राइट. इफ यू आर रेडी फॉर दैट जस्ट टाइप एफ ए बी. वंडरफुल. चलो, सो आई जस्ट टेकन थ्री गुड क्वेश्चंस ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव जस्ट फिनिश्ड इन द प्रीवियस स्पीकर. दिस इज जस्ट द थर्ड लेक्चर, राइट. अभी हमें इसमें कम से कम तीन क्लास और करनी है इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी मास्टर इट, ओके. तो आइए शुरू करते हैं बच्चों. लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ द क्वेश्चन. I hope you are ready. So these are the three questions that were asked previous year. 2019 mains में पूछा गया है ये, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे पास सारी knowledge है, तो इन तीन questions को पढ़ने के लिए और try करने के लिए मैं तुम्हें 6 minutes का time, 5 minutes का time देता हूँ, ठीक है? I give you 5 minutes. Please try. अगर आपका हो जाता है, आप comment box में अपना answer मुझे भेज सकते हो. Answers भी, question भी है, options भी है. After 5 minutes, I'll start with the discussion. Please try. I'm putting the video on pause. ठीक है? So first thing is what? We have to assume the three terms in this manner. A by R, A and AR. And then we get what? A cube is equal to 512. यहाँ से आपको क्या पता लगता है? You get to know that what is the value of A. A is what? A is 8. ठीक है? A is coming out to be 8. That is the first thing. And look at the effort that you have put in. Right? Hardly, अगर देखा जाए, अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर रहा हूँ तो इट इज हार्डली अ कैलकुलेशन, माइट बी दैट इन्वॉल्व्स ऑलमोस्ट 5 seconds और 10 seconds इफ यू आर इन प्रैक्टिस. ठीक है, तो आई विल प्रोसीड अहेड. आइए इसके आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं. इफ 4 इज एडेड टू ईच टर्म, राइट, ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड टर्म में 4 ऐड कर रहे हैं. ठीक है, चलो जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते हैं. फर्स्ट टर्म मेरे पास कितना है, फर्स्ट टर्म इज 8/r, इसमें मैंने 4 ऐड करना है. ठीक है, तो ये टर्म कितना हो गया, ये हो गया. सेकेंड टर्म मेरे पास क्या है, 8 है, इसमें मैंने 4 ऐड करना है, ये तो सबसे बढ़िया है, एग्जैक्टली 12 आ गया. और थर्ड टर्म के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे. देन द थ्री टर्म्स, ओके, थ्री, थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, द थर्ड टर्म वुड बी 8r, राइट. देन द थ्री टर्म्स वुड बी इन AP. ये तीन टर्म्स किसमें हैं एज पर द क्वेश्चन, दे आर इन AP. वंडरफुल. देन फाइंड द सम ऑफ द थ्री ओरिजिनल टर्म्स. ये जो हमारे पास तीन ओरिजिनल टर्म्स हैं, यानी कि a by r प्लस a प्लस ar, हमें इसका सम बताना है बच्चों. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस r की वैल्यू चाहिए. और r की वैल्यू क्या मैं इस रिलेशन से इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ बेटा. आपको ये बात मैंने आज भी बताई और कल भी बताई थी. क्या, कि अगर तीन टर्म्स हमारे पास AP में दे रखे हैं, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, दैट ट्वाइस ऑफ द सेकेंड टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. That is what you'll be using here. So twice of the second term, which is 12 ka double is how much? 24. Right? This 24 is equal to this plus this. Kitna ho gaya beta? It is 8 upon r
प्लस एट आर प्लस फोर, इस फोर को उठा करके इधर रख दो, कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा ना, राइट। 24 माइनस फोर इधर अगर रखोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए सिंपल कैलकुलेशन है, कर डालते हैं। हालांकि चाहो तो ये 4 से भी कैंसिल हो सकता था अभी, बट कोई बात नहीं, आओ थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तुम्हारे पास 1/r आ गया और ये r आ गया, 4 से कैंसिल करो, 4 2s आ एंड 4 5s आ। सो इफ़ यू टेक थिंग्स कॉमन, यहाँ पे आपके पास कितना आने जा रहा है, ये दिस वुड बी 1 प्लस r स्क्वायर ओवर r, ठीक है। जस्ट डू दी कैलकुलेशन हियर, ये मेरे कैमरे के पीछे छिप रहा है तो मुझे थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बट दैट्स ओके। ये आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, ये 5r जब लेफ्ट साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 5r हो जाएगा, और कांस्टेंट कितना है, दैट इज 2, ठीक है। ये मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे ले लूँ, कंट्रोल सी, ठीक है। आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट पेज सो दैट वी कैन डू द एंटायर कैलकुलेशन। सो हियर इट इज, यहाँ पे आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब r की वैल्यू कैलकुलेट करने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हो ना, कितना हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2। व्हाट आर यू गोइंग टू टेक कॉमन बच्चों, सर्टेनली ट्वाइस ऑफ r, कितना आ गया r माइनस 2, माइनस 1 तुमने कॉमन लिया, यहाँ कितना आ गया r माइनस 2। सो आई एम प्रिटी श्योर ऑल ऑफ यू आर ओके विद दीज काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आई बिलीव दैट, राइट। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी। सो r इज ईदर इक्वल टू 2 और इट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। r की दो वैल्यू मिल जाती है एंड दैट इज एनफ टू गेट दी आंसर। ये तुम्हारे पास कितना आ गया था, 8 आ गया था, तो एक टर्म तो 8 हो गया बेटा। अगर तुमने इसको 2 लिया तो कितना हो गया, 8 2 जा 16, और यहाँ पे तुमने 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 4, राइट। द मोमेंट यू एड इट दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, ऐड करो कितना हो गया, दिस इज 12 एंड 12 प्लस 16 दैट इज कमिंग आउट टू बी 28, हेंस द आंसर वाज 28, ठीक है। 3b वाज द करेक्ट आंसर। इफ इट इज अंडरस्टूड जस्ट टाइप यस, जस्ट टाइप यस, प्लीज डू इट फास्टर, राइट। मैं आपके साथ चाहे 2 क्वेश्चन डिस्कस करूं, बट इट शुड बी अंडरस्टूड। मैं नहीं चाहता कि मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करूं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, जो डिस्कस करें वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो दैट्स फाइन, नहीं समझ में आया रिपीट लिखो, टाइप आर, आई विल रिपीट दैट, नो इश्यूज। ठीक है, चलो आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपने लिख लिया होगा, प्रोसेस समझ में आ गया होगा आपको, दैट्स फाइन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, दिस वाज इवन इजियर, ये इससे भी आसान क्वेश्चन था। क्या कह रहे हैं कि कोई हमारे पास जीपी है A1, A2, A3 टिल A10, और A3 अपॉन A1 की वैल्यू इन्होंने 25 दे रखी है। इन्होंने हमसे पूछा बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A9 अपॉन A5, बहुत आसान सवाल है। देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करोगे बेटा, तुम ये जो A1 है, राइट, लेट्स से कैपिटल A लिख लो, A2 कितना हो जाएगा, AR हो जाएगा, और A3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, AR³ हो जाएगा, AR² हो जाएगा, एंड सो ऑन, दैट इज हाउ यू विल इट विल प्रोसीड। तो जो दे रखा है सिर्फ फोकस वहाँ पे करो, क्या दे रखा है तुम्हें, तुम्हें दे रखा है A3 ओवर A1, A3 दैट इज AR², A1 दैट इज A, एंड दिस इज गिवन टू अस as 25. So what is the value of r? R square is equal to 25. Can I say that r is equal to plus minus 5? Certainly yes. ठीक है, r is equal to what? Plus minus 5. हमसे क्या पूछा गया, ये पूछा गया, राइट। देयर वाज दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a9 अपॉन a5, सो नो इश्यूज। a9 कितना हो जाएगा, ar raised to the power 8 ओवर ar raised to the power 4, A got cancelled and R raised power 4 को जब R raised power 8 से करो तो क्या आएगा, R की power 4 आ जाएगी। और R की power 4 जो है मेरे बच्चों, R कितना है तुम्हारे पास, whether you take plus 5 or you take minus 5, any number raised to the power any even number is always positive. So the answer would be what, 5 raised to the power 4. That was very very easy question. Is it okay children, बात समझ में आ रही है, just raise hand to signal yes. Quickly raise your hand to signal yes. That's fine. Proceeding ahead. Now, we'll move on to the last question, right? कल की क्लास ओपन क्लास नहीं है,
right? Those who are regular students, they will be getting the password and don't share it with anyone else. ठीक है, तो आपको कल भी, कल की क्लास में भी आपके ऑफिशियल ग्रुप पे आ जाएगा. ठीक है, और कल की क्लास में सर्टेनली एज यू हैव डन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, तो कल की क्लास में हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे. ठीक है, आरडी शर्मा से आज की क्लास के बाद आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स एक्सरसाइज सारे एक्सरसाइजेज आप ट्राई कर सकते हो. ठीक है, मैं ग्रेजुअली जैसे चलता हूँ वैसे चलूंगा. हमने थर्ड एक्सरसाइज तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे, तो उसके बाद फोर्थ फिफ्थ को मैं कल की क्लास में कंसिडर करूंगा. ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज वी आर ऑलमोस्ट डन विद द कॉन्सेप्ट. ओके, तो इट्स टाइम टू प्रैक्टिस. तो ऑलमोस्ट 2 to 3 क्लास हम लोग प्रैक्टिस में स्पेंड करने वाले हैं. All right. Let's see question number 5. Let A, B, C be 7th, 11th and 13th terms of a non-constant AP. Now, अब इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए. ठीक है, देखो अगर मैं एक सीरीज लेता हूँ 2, 2, 2, 2, is it an AP? Yes, it is an AP. Why? The common difference is constant. What is that? It is 0. तो ये क्या है, ये कांस्टेंट एपी है, यानी सारे टर्म्स सेम हैं. तो जब ये कह रहे हैं नॉन कांस्टेंट एपी, इसका सिंपल सा मतलब प्रैक्टिकली तुम्हें क्या समझ, जब ये टर्मिनोलॉजीज तुम पढ़ो, व्हेनेवर यू रीड दीज टर्मिनोलॉजीज इन द क्वेश्चन पेपर एट एनी लेवल, यू शुड अंडरस्टैंड. अच्छा, नॉन टर्म नॉन कांस्टेंट है, इसका मतलब इसके टर्म्स डिफरेंट होंगे, दे कैन नॉट बी द सेम. कांस्टेंट एपी क्या होगा, व्हेन ऑल द टर्म्स आर सेम. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू टेक इट इन योर नोटबुक. ओके, ऊपर टॉप में लिख लो नॉन कॉन्स्टेंट एपी का मतलब क्या होता है. नॉन कॉन्स्टेंट एपी विल ईदर बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. कॉन्स्टेंट एपी विल बी कॉन्स्टेंट, इट विल नेदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, बट यस इट इज एन एपी. वाई? बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम. ठीक है, सो दैट्स अ वेरी बेसिक पॉइंट, बट आई होप इट इज क्लियर टू यू. मूविंग ऑन, सो और क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें कह रहे हैं हमसे कि दिस इज नॉन कॉन्स्टेंट एपी. इफ दीज आर ऑल्सो the three consecutive terms of a GP, अगर ये consecutive terms of a GP हैं तो हमें बताना है कि A upon C की वैल्यू कितनी होगी. चलो ठीक है, देखते हैं, आओ शुरू करते हैं. जो चीज़ दे रखी है पहले वहाँ से शुरू करेंगे. AP के बारे में बोल रहे हैं, 7th term की बात कर रहे हैं, 11th term की बात कर रहे हैं और 13th term की बात कर रहे हैं. क्योंकि AP के बारे में कह रहे हैं तो मैं इसको AP का फर्स्ट टर्म A ले लेता हूँ और कॉमन डिफरेंस D ले लेता हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, A प्लस 60. इसको क्या बोलूंगा बच्चों, A प्लस 10D. और इसको क्या बोलूंगा बच्चों, A प्लस 12D. फॉर ऑल दोज हु हैवंट डन एपी विद मी, लेट मी रिवाइज यू दैट द nth टर्म फॉर एनी एपी इज A प्लस n माइनस 1 इनटू डी. दैट इज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग हियर. ओके, दैट्स हाउ वी हैव गॉट दिस. ओके, सो एज पर द क्वेश्चन, दिस इज गिवन एज स्मॉल a, this is given as small b and this is given as small c. ठीक है, ये इतनी सी बात हमें दे रखी है. ओके, बड़ी अच्छी बात है. और क्या दे रखा है बच्चों, और ये दे रखा है नॉन कॉन्स्टेंट है. नॉन कॉन्स्टेंट है तो इसका मतलब भी तुम्हें समझ में आ गया क्या, कि d cannot be equal to 0. ये वाली बात तो पता लग गई ना तुम्हें, अगर d 0 होता तो वही कॉन्स्टेंट हो जाता है ना. ओके, इफ दीज आर ऑल्सो थ्री कंजेक्टिव टर्म्स ऑफ gp. ठीक है, अगर ये कंजेक्टिव टर्म्स ऑफ gp हैं, जीपी है तो हमें तो पता है जीपी में क्या होता है. जीपी में ये होता है कि मिडिल टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, राइट? दैट इज व्हाट वी नो. तो अगर मैं इस फैक्ट को यहाँ पे यूज करता हूँ, चिल्ड्रन इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock, बट आई होप यू डोंट माइंड इफ आई एक्सपीड अनदर 2-3 minutes. ठीक है, तो प्लीज बी पेशेंट एंड लेट अस फिनिश दिस क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो आइए देख रहे हैं इसमें. तो मैं यहाँ पे इन सारी चीजों की वैल्यू ए और डी के फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ. ध्यान से देखना, बी की जगह पे कितना रखूँ बेटा, ए प्लस 10D. ठीक है, ए प्लस 10D का होल स्क्वायर. ए कितना है बेटा, दैट इज ए प्लस 60. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज ए प्लस 12D. ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, जैसे तुम सिंपल तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो. और सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100D स्क्वायर प्लस 2AB, दैट विल बी 20AD. ठीक है, राइट साइड पे देखा मैंने, इसको मल्टीप्लाई किया, ओपन किया ब्रैकेट को. ठीक है, ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया, यहाँ से 12 और यहाँ से 6, यानी कि मुझे 18AD आता हुआ दिखता है. और ये कितना दिख रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी 12 6 72 D स्क्वायर. आई होप यू आर ओके विद द कैलकुलेशन. इफ नॉट, प्लीज डू इट अगेन आफ्टर द क्लास.
एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी अगेन, नो इशूज। देखो यहाँ से मैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ये सेम आ रहा है। और अगर तुम मुझे थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, चलो इधर खिसका देता हूँ, ठीक है, पुश इट हेयर इन द लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ बचे हुए स्पेस में मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरा फॉन्ट साइज थोड़ा ज़्यादा है, राइट, मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा लिखता हूँ, स्क्रीन पे लिखने में फॉन्ट साइज इंक्रीज होता है, बोर्ड की तो ठीक है बट यहाँ थोड़ा ज़्यादा रहता है, आई होप दैट्स फाइन। चलो देखो, तो ये 100D² और जो 72D², इसको मैं इधर लेके आऊँगा, कितना बचेगा बेटा, दैट विल बी 28D², और राइट साइड पे कितना आ गया बच्चों, ये 20AD और ये भी, तो इसको भी मैं इधर लेफ्ट साइड पे लेता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू 1, दैट विल बी इक्वल टू 2AD, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, मैंने सारे टर्म्स एक साथ ले लिए। अब मैं क्या करूँगा बेटा, मैं ट्वाइस ऑफ डी को कॉमन ले लेता हूँ और देखता हूँ क्या बचता है, तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 14D + 8, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईदर डी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू -14D, सो यू आर 100% कॉन्फिडेंट दिस इज नॉट द केस एज इट इज अ नॉन कॉन्स्टेंट, दैट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग दिस वर्ड नॉन कॉन्स्टेंट AP। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज होने जा रही है, क्या, ए इज इक्वल टू 14D, और जैसे ही तुमने ए इज इक्वल टू 14D रख दिया बच्चों, ए इज इक्वल टू 14D रख दिया, तो तुम्हें ये ए बी सी की सबकी वैल्यू पता लग गई ना। देखो यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, आई डू इट हियर। ए की वैल्यू कितनी हो गई, तुमने ए की जगह पे रखा -14D, तो -14D + 6D कितना आ गया बेटा, दैट इज कमिंग आउट टू बी -8D, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, सी चाहिए, तो मैं बी कैलकुलेट क्यों करूँ, मैं सिर्फ सी पे आऊँगा, सी चाहिए कितना, -14D + 2D क्या लिखूंगा, दैट विल बी -2D। मुझे ए मिल गया, मुझे सी मिल गया, इन्होंने बोला था ए बाई सी कितना होगा, तो हो गया ना -8D / -2D, डी इज गॉन, माइनस इज गॉन, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, इट इज 4:1, 4:1, व्हाट इज द आंसर चिल्ड्रेन, इट इज सी, आई होप दैट फाइन।